नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जहां पूरे देश में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस अवसर पर आज अरोरा स्थित आदि शिशु मंदिर के प्रांगण में मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा अध्यक्ष मिर्जापुर व काशी प्रांत के उपाध्यक्ष बलेंद्र माड़ी त्रिपाठी और मड़िहान विधायक रामाशंकर सिंह पटेल के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद अरोरा के अध्यक्ष गुलाब मौर्य व भाजपा के कार्यकर्ता सहित समाज सेवी भी उपस्थित रहे। वहीं योग गुरु सुजीत केसरी ने योग के सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, फल आसान, सर्व सहित अनेक योगासन किए। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर व उपाध्यक्ष काशी प्रांत के बलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, यह भारत की प्राचीन पद्धति रही है। ये आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो भारत की प्राचीन पद्धति रही है। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जगत से इसको मान्यता दिलवाई है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रत्येक जन तक यह योग दिवस का आंदोलन पहुंचे, हर समाज का हर व्यक्ति योग से स्वस्थ रहे, यही इस अपेक्षा है। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ। सर, 21 जून ही क्यों घोषित किया गया? अब 21 जून तो चूंकि इस योग दिवस का शुभारंभ जो हुआ वह गर्मी के ही 21 इसका इसकी तिथि थी, लेकिन अब 21 जून एक मान्यता के रूप में रख दिया गया, लेकिन इसकी तिथि थी। जब इसका प्राचीन पद्धति से आप देखेंगे, इसका योग का प्राचीन आविर्भाव भी इसी महीने में हुआ था, उसका तिथि है, इसके नाते 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। भारत किसका सबसे ज्यादा इसको योग को आगे भारत की भारत की ही पद्धति है, इसमें ले आने की कोई बातें नहीं है। भारत की पद्धति इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत तक ले जाने का कार्य आदरणीय मोदी जी ने किया। भारत में वैसे हमारे बाबा रामदेव ने इसको नए युग में इसको विस्तार दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता दिलवाने का काम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, योग पर उन्होंने बहुत बड़ा एक संघर्ष और एक जागरूकता अभियान प्रारंभ किया, जिसे स्वच्छता के कार्यक्रम उन्होंने गंभीरता से लिया था। उन्होंने योग दिवस को भी, जब तक हम योग नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, और जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारा विकास नहीं होगा, हमारे घर न सरस्वती आएंगी न लक्ष्मी आएंगी। इसलिए पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से योग को लोगों ने प्रकाश दिया है। योग दिवस के होने के कारण आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, और भारत में विशेषकर हम लोगों का भी लगा है, जैसे हमारा हरियाणा में लगा था, ऐसे सारे नेताओं का कहीं कहीं लगा है। तो लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि कम से कम लोग आधा घंटा एक घंटा योग करें और स्वस्थ रहें, यही कार्यक्रम। मिर्जापुर से अनिश कुमार की एक रिपोर्ट।